हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आइए बात करेंगे बैडकॉम ग्रुप के बारे में, जो कि आज स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट में क्लोज हुआ एंड ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग हुई नहीं और आज भी काफ़ी ऑर्डर पेंडिंग थी। आप लोगों को बोनस काफ़ी लोगों को मिल चुका होगा। कल भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा कि हमें बोनस मिल चुका है, किसी के कोई डीमैट अकाउंट में मिला है, किसी के कोई डीमैट अकाउंट में मिला है। आपका कौन सा डीमैट अकाउंट है और आपको बोनस मिला या नहीं मिला कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट एवरीवन विल कम टू नो, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोनस नहीं मिला है। ऑनेस्टली मुझे भी अभी तक बोनस नहीं मिला है, बट ठीक है, मैंने बोनस के बारे में एक वीडियो बनाया था 2 डेज़ बैक, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के, जिसमें आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे बोनस के बारे में। फ्रेंड्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट लगा, 93 में क्लोजिंग दिया और काफ़ी स्ट्रांग अपर सर्किट था, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब जो हमें गिरावट देखने को मिली थी थोड़ी सी 2 दिन पहले, और उसमें वॉल्यूम भी था, मतलब बायर्स भी उतने ही ज़्यादा थे। और आज भी अगर हम लोग देखें तो आज भी अच्छे, कल भी बायर्स अच्छे थे और आज भी बायर्स थे, मतलब फिर से इसमें बाइंग शुरू हो गई है। जो सेलर्स थे वो बेच के निकल गए। मैंने पहले भी कहा था कि वॉल्यूम कम होने के होगा तो ही अपर सर्किट ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा, और आज वैसे ही हुआ। आज BSE पर करीब करीब ओनली 76,000 शेयर्स ट्रेड हुए और NSE पे अराउंड 15,50,000, सो ऑल टुगेदर अराउंड 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि काफ़ी कम हुए हैं। और वही एक कारण है जिसके कारण अपर सर्किट लगा है। जब सेलर्स कम रहेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे, तो ही इसमें अपर सर्किट लगेगा। और काफ़ी लोग बोनस मिलने के कारण भी बेच रहे होंगे, बट अभी धीरे धीरे वो वॉल्यूम कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे। आज भी हमें कम सीलिंग देखने को मिली, ये पॉजिटिव बात निकल कर आई है आज ब्राइटकॉम ग्रुप में। ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे जैसे बोनस मिल रहा है तो इसका वॉल्यूम भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि अभी 200 करोड़ इसके करीब करीब शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट आज पॉजिटिव बात ये भी थी कि मार्केट भी काफ़ी स्ट्रांग था, आज बुलिश था, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। काफ़ी लोगों ने 180 में लिया था, जब बिफोर बोनस की बात कर रहा हूँ मैं, 170, 180, 200 में लिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये अभी 120 के आसपास जाता है तो आपका जो लॉस है वो निकल जाएगा। अभी 93 पे है, लेट्स होप कि बस अभी एक दो दिन और अपर सर्किट लगेगा, तो जितना ज़्यादा अपर सर्किट लगते जाएगा आपका लॉस कम होते जाएगा। ये बात सोचकर आप हिम्मत रखिए, शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली साउंड है। और इसका अभी हम लोग देखेंगे तो PE 22 पर है, मतलब अभी भी रिजनेबल PE पे मिल रहा है, और इसी के कारण हमें देखने को मिल रहा है इसमें अभी भी स्ट्रांग बाइंग चल रही है, क्योंकि मार्केट में अभी कोई निगेटिव ऐसी स्ट्रांग निगेटिव न्यूज़ नहीं है, उसके कारण ही आज भी हमें तेज़ी देखने को मिली। अब देखना कल ये होता, आज तो यूरोप मार्केट थोड़ा सा डाउन था दोपहर से, तो अभी देखना यह है कि यूरोप मार्केट में अभी उसका इफेक्ट और USA मार्केट का इफेक्ट क्या होता है। तो कल अगर भारी गिरावट होती है, रीजनेबल गिरावट होती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कोई भी शेयर का मूवमेंट, उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप भी कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। इसका EPS है 570 का, और इंडस्ट्री P देखा जाए तो 35 का है, उस कंपेयर में अभी भी ये ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर है 22 का PE पे, जो कि काफ़ी रिजनेबल है। RSI अगर हम लोग देखें तो RSI इसका चल रहा है 63 के आसपास, जो कि वो भी कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल अभी भी हम कह सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है वो बाइंग जोन में है, तो इसके कारण हमें अभी भी कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ये 120-125 के आसपास जाता है तो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो जो भी लोग लॉस में थे और काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहे थे उनको भी इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। नो डाउट जिन लोगों को बोनस अभी तक मिला नहीं है उनका माइनस काफ़ी दिखा रहा होगा, बट जैसे ही बोनस शेयर आपको क्रिएट हो जाएगा तो आपका लॉस जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो भी एवरेज हो जाएगा, और नॉर्मल आपको इसमें एक कंफर्टेबल लॉस देखने को मिलेगा। बट काफ़ी लोगों ने कम रेट में बाय किया होगा, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट अभी आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अभी लगातार शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे मार्च क्लोज हो रहा है और अभी मार्केट भी स्ट्रांग है तो अपर सर्किट लगने की गुंजाइश है, और इसका अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मार्केट में, और अगर इसका Q4 का रिजल्ट इन्होंने जल्दी डिक्लेयर कर दिया तो 120 को भी क्रॉस करके जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगा कि इसमें हमें जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर दिख सकता है। जिनको डर लग रहा होगा वो थोड़ा बहुत शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। एंड ओनली वन जो एक ही हिच है, एक ही प्रॉब्लम है, जो कि है ऑडिट रिपोर्ट, बट वो भी उसके बारे में भी ऐसा लगता है कि कोई निगेटिविटी आना नहीं चाहिए, और उसी कॉन्फिडेंस के ऊपर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर चल रहा है।
और अभी इनका आउटलुक वगैरह भी अभी आने में होगा, अभी कुछ ना कुछ कंपनी हो सकता है ये वीक में, या जनरली सैटरडे संडे को कंपनी कुछ तो भी अनाउंस करती है, ऐसा उनका देखा गया है पास्ट में। तो लेट्स होप कि सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी बैडकॉक ग्रुप की तरफ से, और उसके कारण हो सकता है कि अगेन नेक्स्ट वीक हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिले। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि बैडकॉक ग्रुप में आने वाले दिनों में भी हमें अपर सर्किट देखने को मिले। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि अभी ये नॉन स्टॉप 120 तक जाएगा, मतलब अपने 52 वीक हाई के आसपास जाएगा, कि बीच में से करेक्शन होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और पर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत मार्केट अगर वीक रहा तो थोड़ा बहुत देखा दो दिन लोअर सर्किट मार सकता है अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ तो। अदरवाइज़ अभी बाकी कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं है मार्केट में भी और बैडकॉक ग्रुप में भी जिसके कारण हमें गिरावट देखने को मिलेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन बैडकॉक ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।